दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, व्हाट्सएप ग्रुप सेटिंग के बारे में कि सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप के अंदर बहुत सारे सेटिंग होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे उस सेटिंग के बारे में कि ग्रुप के अंदर कौन कौन से सेटिंग होते हैं, क्या क्या काम आती है, क्या आज पूरा प्रोसेस बताएंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो पूरी देखते रहें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम चलते हैं सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप पर। तो आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। हम इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा व्हाट्सएप आ चुका है। व्हाट्सएप के अंदर हमें क्या करना है, ग्रुप सेटिंग, जिस भी ग्रुप के अंदर हमें सेटिंग करनी है उस पर उस ग्रुप पर हम चलते हैं। हमें इस ग्रुप पर सबसे ऊपर वाला ग्रुप है शान ग्रुप, उस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। इसके अंदर हमें बहुत सारे सेटिंग हैं, तो हम यहाँ पर सेटिंग को देखते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखते ही हमारा ग्रुप है, इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ सेटिंग करना है। तो उसके बारे में आप बताते हैं, हम सबसे ऊपर आपको शान ग्रुप नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि हमारा ग्रुप है, ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर्स है और ये हमारा शान ग्रुप नाम है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या करना है कि हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर्स है और हमारी जो आइकन है और हमारा जो ग्रुप का नेम है वो कैसे चेंज किया जा सकता है और कौन कौन चेंज कर सकता है, और हमारे जो वीडियो वगैरह आती है कौन मैसेज करता है, कौन वीडियो डालता है, इसके बारे में भी आज हम आपको पूरी सेटिंग बताएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चलते हैं, आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद आप ग्रुप सेटिंग नज़र आ रहा हो आपको। तो हम क्या करना है, हमें ग्रुप सेटिंग पर क्लिक करना है। ग्रुप सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा होगा एडिट ग्रुप इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप यहाँ पर क्लिक करना है हमें। यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिट ग्रुप इन्फॉर्मेशन में चॉइस वाउ कैन चेंज दिस ग्रुप सब्जेक्ट आइकन एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, आल पार्टी पेंट एंड ओनली एडमिन्स, यानी कि इन चीज़ों को कौन कौन चेंज कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। तो आप देखते हैं आल पर यह भी क्लिक हो रहा है, यानी कि हमारे ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, शान ग्रुप के अंदर जितने भी लोग एडमिन हैं, ऐड हो रहे हैं, वो सभी के सभी हमारी ग्रुप की प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, हमारे नाम को चेंज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप नेम को चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जितने भी लोग इस ग्रुप के अंदर हैं वो काम कर सकते हैं, ये काम सब के सब कर सकते हैं। यानी कि जिसको, किसी को हमारा ग्रुप का फ़ोटो पसंद नहीं आया तो वो चाहे तो चेंज भी कर सकता है, और वो चाहे तो हमारे ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकता है, और हम चाहे कि कोई भी हमारे ग्रुप को आइकन वगैरह चेंज ना कर सके, हमारे ग्रुप के अंदर फ़ोटो वगैरह चेंज ना कर सके, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज ना कर सके, तो ओनली, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली एडमिन्स पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो हम ओनली एडमिन्स पर क्लिक कर देते हैं। अगर हमने ओनली एडमिन्स पर क्लिक कर दिया तो सिर्फ वही लोग हमारे ग्रुप आइकन को चेंज कर सकते हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं और हमारे प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं जो ग्रुप एडमिन है। तो हमें क्या करना है, ग्रुप एडमिन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम ग्रुप एडमिन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देते हैं। हमने ओके पर क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं आप, अब हमारे ग्रुप एडमिन, जो हमारे ग्रुप के अंदर एडमिन है, वही चीज़ों को चेंज कर सकता है, और या हम ही चेंज कर सकते हैं या हमारा ग्रुप का एडमिन ही चेंज कर सकता है। अगर ग्रुप आपका है तो आप चेंज कर सकते हैं, और आपने जिसको भी एडमिन बना रखा है वो एडमिन चेंज कर सकता है। इसके बाद आप देखते हैं सेंड मैसेज पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर। सेंड मैसेज पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चॉइस वाउ कैन सेंड मैसेज टू दिस ग्रुप, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेज कर सकता है, कोई भी वीडियो डाल सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ को इस ग्रुप के अंदर डाल सकता है। अगर आप चाहें कि कोई भी आपके ग्रुप के अंदर कुछ भी ना डाले, कोई वीडियो ना डाले, कोई मैसेज ना करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली एडमिन्स पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप ओनली एडमिन्स पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपके ग्रुप के अंदर कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप मेम्बर आपके ग्रुप के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकता, ना फोटो डाल सकता है, ना मैसेज डाल सकता है, सिर्फ वो देख सकता है आपके मैसेज वगैरह, सिर्फ आप ही डाल सकते हैं और आपके ग्रुप एडमिन ही इसके अंदर मैसेज और वीडियो डाल सकते हैं। तो आप ओनली एडमिन्स पर क्लिक कर ओके दबा दीजिएगा, देखा आपने। इसके बाद एक और सेटिंग है, वो आप नीचे दिखी होगी तीसरे नंबर पर, एडिट ग्रुप एडमिन्स। एडिट ग्रुप एडमिन्स यानी कि आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जिसको चाहे ग्रुप एडमिन बना सकते हैं, यानी कि
यहाँ से ही आप जिसको चाहे ग्रुप एडमिन बना सकते हैं, जिसको चाहे ग्रुप एडमिन से हटा भी सकते हैं। इसे डायरेक्ट यहाँ से आप क्या करना है, आपको किसी को भी ग्रुप एडमिन बनाना है। यहाँ पर एक जना ग्रुप में एडमिन है तो वहाँ पर टिक लगा हुआ है, और आप चाहे कि दूसरा भी ग्रुप एडमिन बन जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, एक बार क्लिक करने पर ये भी ग्रुप एडमिन बन चुका है। आप जितने लोगों को चाहे ग्रुप एडमिन बना सकते हैं, तो मैंने 2 लोगों को ग्रुप एडमिन बना लिया है। अब यही लोग मेरे ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, और यही लोग डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, यही लोग हमारी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई इस ग्रुप के अंदर कुछ नहीं कर सकता, ना फोटो डाल सकता है, ना वीडियो डाल सकता है। तो इसके बाद हम क्या करना है, इस पर क्लिक करना, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देखते हैं यहाँ पर आप कोई भी पर्सन इस ग्रुप के अंदर ना तो वीडियो डाल सकता है, ना फोटो डाल सकता है, और ना ही हमारी वीडियो को, हमारी डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकता है, ना ही हमारी प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर सकता है। देखा आपने दोस्तों कितना आसान था किसी भी को भी इसके अंदर ग्रुप एडमिन बनाना, और किसी को भी ग्रुप एडमिन से हटाना। और इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा है आपको कि किसी को भी आप कोई भी आपके ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब